सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, आज हम जानेंगे कि अगर आपके दोनों हाथ मिलाने से बनता है आधा चांद तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो कौन सी खास बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, और तीन गलतियां जो आप कर देते हैं और ये निशान आपके हाथ में होते हुए भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाता। तो ये तीन गलतियाँ कौन सी हैं, ये बातें क्या हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा आखिर तक। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको कोई कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें, क्योंकि हमसे कंसल्ट करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कंसल्टेशन पेड है। आइए जान लेते हैं सबसे पहली गलती के बारे में जो आप कर देते हैं इस निशान की आकृति को पहचानने में, और इसके पीछे का रहस्य क्या है, और क्या है वो खास बातें जो इससे जुड़ी हैं, वो भी आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी हार्ट लाइन पे, जो आपके शनि या गुरु पर्व से शुरू हो रही होगी, और दूसरे हाथ में भी कुछ इस प्रकार ही सेम जा रही होगी। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, इस प्रकार से नहीं है, क्या पता ये रेखा कुछ सीधी हो, मतलब इनके जो दोनों सिरे हैं वो गोलाई में ना हो, तो ये माननीय नहीं होगा। और एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी हार्ट लाइन एक हाथ में तो सही है, बिल्कुल गोलाई में बीच में आ गई, पर दूसरे हाथ की जो रेखा है वो थोड़ी ऊपर से शुरू हुई या फिर थोड़ी नीचे से शुरू हुई, तो ये भी चांद नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप चांद देख रहे हैं अपने हाथ में तो हार्ट लाइन दोनों हाथों की सेम होनी चाहिए, तभी चांद की आकृति जो है बनेगी। इसके बाद दूसरी गलती जो आप कर देते हैं वो ये कि कुछ लोग इसको अपनी धन प्राप्ति के लिए या फिर करियर के लिए देखते हैं। जी नहीं, ये निशान इस पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके रिलेटेड बहुत सारे निशान हैं, रेखाएं हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देने जा रहा हूं, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी हस्तरेखा वाली प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां आपको सवाल के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। पर निशान ये वाला किस लिए होता है? चांद का निशान आपके रिलेशनशिप को दिखाता है दोस्तों। जी हाँ, आपके पार्टनर के साथ हो, आपके दोस्त मित्रों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, और ख़ास करके ये आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है। वो कैसे, आपको अभी बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी हार्ट लाइन आपके गुरु या बृहस्पति पर्वत से शुरू होती है एक हाथ में से, और दूसरे हाथ में भी उसी पोजीशन पे जाके ख़त्म हो, और ये इस प्रकार से चांद बन रहा है, तो दोस्तों ये सीधा सीधा संकेत है कि आपकी लव मैरिज निश्चित होगी, औरों से कम बाधाएँ आएंगी, घर वाले जल्दी मान जाएंगे, और जल्द ही आपका ये काम सफल हो जाएगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, आपके शॉर्ट टेम्पर वाले नेचर की वजह से, मतलब कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन रह सकती है, क्योंकि भाई आपकी शादी तो हो गई पर उसके बाद आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते, आपको जिम्मेवारियाँ बराबर की बांटनी पड़ेंगी, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, और साथ में कुछ बातों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तभी आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, और इसे ही वैवाहिक जीवन कहते हैं। शुरुआत में आपने लव मैरिज तो कर ली, उसके बाद इसको निभाना भी पड़ेगा। और हाँ, ये आकर्षक भी होते हैं, ये अपनी बातों से दूसरों को मोह लेते हैं, जिस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है, तभी तो इनके लव मैरिज के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं इन दोनों हाथों में जो हार्ट लाइन है उसका एक सिरा एक हाथ के शनि पर्वत से शुरू होता हुआ दूसरे हाथ के दूसरे शनि पर्वत पे जाके ख़त्म हो रहा है। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि अगर इस प्रकार से गोलाई में चांद बनता है तो ये लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं और इनकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि पहले फैक्ट से बिल्कुल ही उलट, और इनकी मैरिड लाइफ जो होती है वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लव मैरिज में हम अपने पार्टनर को ज़्यादा जान पाते हैं, पर आपको एक दिक्कत भी बताई है जो है शॉर्ट टेम्पर की, अगर वो नहीं है तो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है। दोस्तों यहाँ पर जो इनका स्वभाव होता है वो बहुत ही शांत होता है, किसी भी दिक्कत में किसी भी मुश्किल में अपने आप को निकालना ये जानते हैं। अगर कोई भी अनबन होगी इनके पार्टनर के साथ तो वो ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेंगे। तीसरी गलती जो मोस्टली लोग कर ही देते हैं वो ये कि एक हाथ में तो आपने हार्ट लाइन देखी कि वो बनी हुई है बिल्कुल ही सिरे तक,
पर जो दूसरे हाथ की हार्ट लाइन है वो इसके ऊपर आके खत्म हुई या फिर इसके नीचे आके खत्म हुई, तो ये आधा चांद बना। जी नहीं, ये आधा चांद कैसे बना? अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि यहां पर अगर आपकी हार्ट लाइन दूसरे हाथ में भी उसी जगह से शुरू होके आपके उसी पोजीशन पे जाके खत्म हो रही है जहां से शुरू हुई है पहले हाथ में, तो ये होता है आधा चांद। पूरा चांद तो गोल होता है ना, पर यहां पर आधा चांद आपको नजर आ रहा है। पर अगर बात करें उन्हीं रेखाओं की जो ऊपर आती है या फिर नीचे, तो इनके पीछे भी कुछ खास बातें हैं। वो ये कि जिनके हाथ में कुछ इस प्रकार से रेखाएं हो, मतलब दोनों हाथों की मैच ना हो रही हो, वैसे तो ये चांस बहुत रेयर होता है, पर अगर हैं तो ये बहुत मच्योर होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि बड़ी उम्र के लोगों के साथ रहना इनको पसंद होता है, और अगर आप इनके साथ रहेंगे, इनके साथ बातें करेंगे, तो आपको पता चलेगा अपनी उम्र के हिसाब से बड़ी बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें इस निशान से जुड़ी हुई। अगर आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में आधे चांद की आकृति बन रही है और ये तीन गलतियां अगर आप भूल कर भी कर रहे हैं तो सुधारने की कोशिश करें। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद या साथ साथ आप दोबारा से देखिए और अपने हाथ के चांद को मैच कीजिए। अगर मैच करें, बातें मैच करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।